मतलब हेजमेनी इज एक्सट्रीम टाइप ऑफ लीडरशिप होना मतलब लीडर जब लीडर का विकल्प ना दिखे तो वो लीडर होता है ठीक है तो जैसे आज आपको दिखता है पॉलिटिकल साइंस में विकल्प दिखता है विकल्प नहीं अगर आपका लिमिट टू कॉमन सेंस डिफाइन हो गया और आप वो रीजन कर ही नहीं पाओगे तो वो जिसका वो स्टेटस होता है वो स्टेटस इज कॉल्ड ठीक है आप एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं देश में ठीक है ठीक है, देश में आपको विकल्प दिखता है नहीं दिखता वो क्यों नहीं दिख रहा है बिकॉज ऑफ हेजमेनी, ठीक है तो जैसे एक टाइम नेहरू का विकल्प लोग नहीं सोच सकते थे तो क्यों क्योंकि नेहरू हैज एस्टैब्लिश हेजेमनी या एक टाइम कांग्रेस का विकल्प नहीं था कांग्रेस का विकल्प नहीं था उसी को हेजेमनी बोलते हैं ठीक है दैट इज कॉल्ड एस कांग्रेस सिस्टम सिस्टम ही कांग्रेस का है ठीक है तो हेजेमनी मतलब इनडिस्पेंसिबल देर इज नो वन अदर देन यू कैन नॉट थिंक तो आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर द यूएस हेजेमनी गॉट एस्टैब्लिश

एवरीबडी वॉज इंटरेस्टेड और हम नाराज हो रहे हैं कि भाई ट्रंप ऐसा क्यों कर रहा है क्योंकि हमको लग रहा है ट्रंप यूएस का नहीं अपना प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा कैसे किया यू अंडरस्टैंडिंग दैट यूरस्टैंड कॉल्ड फाइन तो मैनी मीन्स बियॉन्ड विच यू कैन नॉट थिंक फाइन डिफाइनिंग द लिमिट्स ऑफ कॉमन सेंस थॉट कंट्रोल प्रोसेस एंड इट इज इनविजिबल it is applying in your mind and what is it it is not a power of coercion it is a power of attraction fine so again in exam they will ask question on differentiate between domination and hegemony fine so how gramsci dominates so what he says for gramsci hegemony is leadership

किसकी बात सुन करके आए आप टॉपर्स की बात सुन के आए अगर हम खुद कह रहे होते कि आई एम अ गुड टीचर तो आप नहीं आते और जबकि बहुत मतलब कैसे है जिम्मे बिल्ट की जाती है तो वो या बिल्ट अपने आप इस्टेब्लिश हो जाती है वो है जिमे नहीं ठीक है तो जब ऐसे जिसका विकल्प नहीं समझ में आया तो उसकी है नहीं समझ लीजिए आप ठीक है तो अब वो क्या चीज है वो लीडरशिप है अरे तो क्वालिटी होगी तभी तो हेजेमनी बनेगी ना तो अब बस ये आप समझ लीजिए कि हेजेमनी का मतलब समझ में आना चाहिए हेजेमनी क्या है लीडरशिप है जैसे आप लीडर इन अ पर्टिकुलर एरिया हो गए ठीक है तो व्हाट इज लीडर हु इज अ लीडर लीडर का बेस्ट एग्जाम मतलब बेस्ट डेफिनेशन ऑफ अ लीडर इज लीडर इज अ मूवर एंड शेकर ठीक है वन हु कैन मूव एंड शेक वन हु कैन डिसाइम तो तो था जब पॉलिस नहीं पढ़ते थे पबैठ पढ़ते थे ठीक है या साइकोलॉजी पढ़ते थे तो लेकिन लीडर का मतलब वही है लीडर को डिफाइन अगर आपको कहा जाए इंटरव्यू में डिफाइन करो वॉट इज लीडर जस्ट गि वन सेंटेंस मूवर एंड शेखर एग्जाम्पल नहीं दो लेकिन मूवर एंड शेकर होना चाहिए डिसरप्टर होना चाहिए एंड समवन हु हुटेब्लिशेज अ न्यू ऑर्डर तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएस वाज़ वॉज द सिंगल हेजमेन, एंड देन यूएस हेजमेनी वॉज बीन चैलेंज बाई द ब्रिक्स कंट्रीज व्हाट वाज़ दैट इवेंट दैट इवेंट वाज़ द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस तो वेन ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस केम and countries of europe they needed funds fine, to address their balance of payment crisis the so us was not able to provide the funds on the other hand india and china have established a special stabilization mechanism in imf so this has shown the rise of rest and power is a zero sum game

तो पहले तो इंडिया चाइना को तो आप आपस में लड़वा सकते हैं और रशिया को उधर लड़वा सकते हैं इवन ई यू वॉज ऑल्सो राइजिंग तो ऐसे दिस इज अ वे टू मेंटेन देयर हैजमेनी अगेन ठीक है तो अब आगे चलते हैं हम लोग क्या नेक्स्ट पढ़ा आपने यस मोनोपली हेजमेनी का मतलब है पावर ऑफ अट्रैक्शन जिसका हो मोनोपोली कंपलसरी भी हो सकती है कि कोई और ऑप्शन नहीं ठीक है तो हमको वही लेना है लेकिन जहां पर आपको अट्रैक्शन हो और आपको कोई कंपेल नहीं करे दैट इज हैजेनी ठीक है तो वो उसमें अट्रैक्शन पॉइंट इंपॉर्टेंट है लीडरशिप इंपॉर्टेंट है मोनोपोली इंपॉर्टेंट नहीं ओके okay? तो अभी एक इसमें लिखते हैं इसी में लिखो राइट दस हेजेमनी रिप्रेजेंट लीडरशिप underline crow leadership leadership means power of attraction take okay. a public leaders your yeah, leadership is based on what followers फॉलोअर्स होंगे तो लीडर होता है ठीक है तो फॉलोअर्स फॉलो follow क्यों करते हैं पावर ऑफ अट्रैक्शन है ठीक है, है तो लीडरशिप मीन्स लीडर डजेंट कोर्स, बट फॉलोअर्स फॉलो लीडर्स फाइन आउट ऑफ पावर ऑफ अट्रैक्शन सो वॉट हैज हैपेंड इन द वेस्टर्न कंट्रीज द कैपिटलिस्ट क्लास हैज एस्टेब्लिश लीडरशिप एंड द वर्कर्स हैव बिकम द फॉलोअर्स तो फॉलोअर का मतलब क्या जो आपको इमिटेट करे वो फॉलोअर होता है तो वॉट वर्कर्स आर डूइंग दे आर इमिटेटिंग द कैपिटलिस्ट वे ऑफ लाइफ फाइन तो वेन दे आर इमिटेटिंग द कैपिटलिस्ट सो दे विल नॉट फाइट अगेंस्ट कैपिटलिज्म दे आर So what Gramsci writes, the only problem of worker is that he is not capitalist. Worker doesn't find capitalism bad. He is finding capitalist bad. So you may kill capitalist, but you may not end capitalism. But till capitalism continues, your exploitation will continue. Okay, so hegemony leadership. Leadership means followers. So followers means

जो अपने से नीचा है उसके घर नहीं जाना है उसके घर गए मतलब उसका सम्मान बढ़ाया तो चाइना नहीं आएगा जी ट्वेंटी में ठीक है तो यूएस और इंडिया यूएस कॉन्फ्लिक्ट की बात ही कौन कर रहा है कॉन्टेस्टेशन इंडिया का यूएस से थोड़ी है कॉन्टेस्टेशन चाइना से है और चाइना का इंडिया से नहीं है चाइना का यूएस से है ठीक है तो चाइना तो चाहेगा भी नहीं कि इंडिया के साथ बैठे क्योंकि वो चाहेंगे कि कहीं गलती से बराबर ना मान ले तो चाइना आएगा या नहीं आएगा चाइना नहीं आएगा ठीक है तो अब ये कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे इंडिया को भी ब्रिक्स में नहीं जाना था लेकिन इंडिया को अपनी औकात पता नहीं चलती इंडिया का पोजीशन है हनुमान जी जैसा Didn't knew his power. तो उनको रिमाइंड कराना पड़ता है यूएस रिमाइंड करता है भैया तुम भी कुछ हो मत जाओ इनके घर लेकिन अपनी कोलोनियल हिस्ट्री है हम लोग को जहां फ्री का खाना मिलता है चल देते हैं क्या है ब्रिक्स में क्या है ब्रिक्स क्यों जा रहे हो वॉट इज द यूज फ्री का खाने के अलावा फ्री की फ्लाइट फ्री की गुमाई कुछ नहीं है ब्रिक्स और नहीं जाना था ठीक है मतलब कोई सेंस ही नहीं है और उस जब ये पता था कि जी ट्वेंटी में नहीं आएंगे चाइना वाले वो लोग इतने बड़े फ्री वाले खाने वाले नहीं लेकिन आप अपनी आदतें सुधारो। तब तो आया था क्योंकि चाइना उस समय इंडिया चाइना के साथ था ना गेम चल रहा था वो यूएस के अगेंस्ट आया था लेकिन अब आप क्वाड में हो तब आप क्वाड में नहीं थे तो अब आप इतना ज्यादा क्वाड की बातें कर रहे हो तो थोड़ी आएंगे वो लोग तो हमें क्वेश्चन था कि ब्रिक्स में क्या करने गए थे मल्टीपोलैरिटी डजेंट मीन दैट यू विल गो एनी वेयर मल्टीपोलैरिटी मीन यू स्टैंड एट योर प्लेस कि हम नहीं जा रहे किसी के घर में नहीं जरूरत तब आपको एक पोल माना जाएगा जहां उठाए चल दिए किसी ने भी बुलाया चले आना फ्री का खाना है तेरही है तेरे में चले गए लड्डू मिल रहा है तो वैसे हो गया ना बस चलो मीटिंग है फ्री में घूम लेंगे ब्राजील यहाँ घूम लेंगे वहां घूम लेंगे नहीं करना है अपने घर में रुकना है अब ये सब आगे चलते हैं ठीक <laughs> है तो दैट इज लीडरशिप वर्सेस डोमिनेशन ठीक है तो लीडरशिप रिक्वायर्स फॉलोअर्स फॉलोअर्स मीन्स दोज हु वॉन्ट टू अडेप्ट योर लाइफ स्टाइल दोज हु वॉन्ट टू कंटिन्यू इन योर सिस्टम ठीक है